नमस्कार आप सब लोगों को। आज मैं स्टूडियो पे 2019 बजाज पल्सर 150 ABS मॉडल की रियल लाइफ रिव्यू करने वाला हूं। आपको बताऊंगा इस बाइक के अंदर ABS आने के बाद कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है और क्या क्या फीचर नया आया है इस बाइक के अंदर, पूरी तरह से डिटेल में बताने वाला हूं। तो देर क्यों, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों लाल बटन को दबाइए और ऑटो एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल वाले बेल आइकन को छोड़ना मत, उसको भी एक बार दबाई लीजिए, क्योंकि आपको पता चले कि ऑटो एक्सप्लेन के ऊपर एक वीडियो आया है। फाइनली बजाज ने पल्सर 150 सीरीज के अंदर ABS देना शुरू किया है। पल्सर 150 के अंदर टोटल 3 वेरिएंट आता है, एक है नियॉन, एक है स्टैंडर्ड, एक है ट्विन डिस्क। दोस्तों नियॉन की प्राइस है विद ABS का 68,000 रुपीज, स्टैंडर्ड का प्राइस है विद ABS का 84,000 रुपीज, टॉप मॉडल ट्विन डिस्क विद ABS का प्राइस है 89,000 रुपीज। दोस्तों लगभग 7,500 की इंक्रीमेंट ये सारे मॉडल के अंदर हुआ है। चलिए अब हम बात करेंगे क्या क्या बदलाव बजाज ने पल्सर 150 ABS के अंदर किया है। ये है इस बाइक की फ्रंट का लुक, आप देख सकते हो फ्रंट में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। और यह है 12 वोल्ट की कन्वेंशनल हेडलैम्प और दोनों साइड पे दो पायलट लैंप मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे नियॉन के अंदर आपको येलो कलर की रेड कलर की इंसर्ट मिलता है, बट ट्विन डिस्क में वो मिलता नहीं है, बड़ा सा विंडशील्ड है, ब्लैक कलर में मिलता है। और ये है फ्लेक्सिबल इंडिकेटर, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर काफी बढ़िया होता है, इजी से टूटता नहीं है। और इसकी साइड का लुक कुछ ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिक्स देना चाहिए था बट दिया नहीं है बजाज ने, काफी अट्रैक्टिव दिखता था। और ये है 17 इंच अलॉय व्हील और आगे 260 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है विथ ABS। इस बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS दिया है, डुअल चैनल ABS नहीं दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर की ग्राफिक्स है। आगे की टायर का साइज है 90 mm। और ये है इस बाइक की ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ये बाइक दिखने में थोड़ा सा स्पोर्टी दिखता है कंपेयर टू स्टैंडर्ड और नियॉन, क्योंकि इसके अंदर स्प्लिटेड सीट, स्प्लिटेड ग्रैब हैंडल दिया है। और ये है क्रोम इंसर्ट के साथ पल्सर का बैज और शानदार स्पॉइलर मिलता है। और आप देख सकते हो ब्लू और कार्बन फाइबर लुक के साथ ग्राफिक्स है। और यहाँ पे भी डुअल टोन के साथ मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो साइड वाइजर पे कार्बन फाइबर का लुक दिया है, देखने में काफी अट्रैक्टिव दिखता है कार्बन फाइबर की लुक। और दोस्तों पीछे की स्पॉइलर आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखती है, 150 का स्टिकर दिया है और पीछे भी आपको ब्लू और कार्बन फाइबर की लुक मिलता है। और ये है पीछे की स्प्लिटेड ग्रैब हैंडल, नियॉन और स्टैंडर्ड में सिंगल हैंडल मिलता है। और ये है स्प्लिटेड सीट और ये है LED टेल लैंप है जो व्हाइट कलर के अंदर मिलती है, जलाने के बाद काफी स्टैंडर्ड दिखती है, काफी बढ़िया दिखता है। रियर टायर साइज है 120 mm और पीछे थोड़ा सा बड़ा टायर मिलता है, आगे थोड़ा सा छोटा टायर मिलता है क्योंकि ग्रिप के लिए मिलता है ऐसा। और पीछे मिलती है 230 mm की डिस्क ब्रेक और पीछे ABS नहीं दिया है, ये जो आप देख रहे हो ये ABS का नहीं है, ये स्पीड सेंसिंग का यूनिट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो शानदार ब्लू हैलेट के साथ ग्राफिक्स, 6-way एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक लीवर और ये है साइलेंसर की प्रोटेक्टर कवर और ये है रियर फुटरेस्ट। और दोस्तों इस बाइक के अंदर 150 cc का इंजन है, देती है 14.3 mm का पावर
और 13.6 एनएम का टॉर्क देता है। एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 5 मैनुअल एडजस्टेबल इंजन है और ये कार्बोरेटर है। पल्सर 150 के अंदर फ्यूल इंजेक्शन नहीं आता है और ये है आगे की इंजन प्रोटेक्टर। जब बाइक गिरता है तो ये बाइक को बचाने के लिए काम आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, नीचे जो स्पॉइलर के अंदर भी ये हिस्सा दिया है, ये क्या करती है, टायर से आने वाला मिट्टी इंजन तक नहीं जाती है, इस पे ही चिपका देती है। तो एक काफी बढ़िया इंजन प्रोटेक्टर कॉल है। और ये है हॉर्न की यूनिट, दोनों साइड पे दो मिलती है, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। और देखिए इस साइड की साइड प्रोफाइल, ऊपर से बाइक काफी अट्रैक्टिव दिखती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो ऑयल की गेज है और डीटीए है। गियर लीवर, इस बाइक के अंदर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर सिस्टम मिलती है। और ये है साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड भी इसके अंदर है। और ये जो आप देख रहे हो ये मेटल का है, प्लास्टिक का नहीं है। बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। और रियर फुटरेस्ट है, ये है सारी प्रोटेक्टर। चैन कवर अब इस बाइक के अंदर मिलता नहीं है। और आप देख सकते हो सेंटर स्टैंड। चलिए बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। और कुछ ऐसा की मिलता है पल्सर 150 की। और दोस्तों आप देख सकते हो इस बाइक की एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और दोस्तों यहाँ पे आरपीएम गेज है। और आप देख सकते हो नया चीज इसके अंदर इंप्लीमेंट हुआ है, वो है एबीएस। एबीएस की लाइट जल रही है, रिसेट का बटन है। और ये है इसकी एमआईडी डिस्प्ले, यहाँ पे फ्यूल गेज, स्पीड हो, ट्रिप हो, सारे इंफॉर्मेशन देती है। और साइड स्टैंड का भी इंडिकेटर इसके अंदर है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे बटन दिया है, अपर डिपर का बटन है, ये पास का बटन है, और ये है साइड की इंडिकेटर का बटन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन को किल करने के लिए किल स्विच, और इंजन को स्टार्ट करने के लिए पावर स्टार्टर। स्प्लिटेड हैंडल के साथ आती है पल्सर की 150 ट्विन डिस्क। और यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे लोग मुझे पूछ रहे थे क्या 150 के अंदर किक है, नहीं है, सिर्फ आपको पावर स्टार्टर मिलता है, किक इस बाइक के अंदर नहीं दिया है। नियॉन और स्टैंडर्ड के अंदर किक मिलता है, बट आपको ट्विन डिस्क में किक नहीं है। और ब्लैक आउट मिरर है। और आप देख सकते हो शानदार इस बाइक की ओवरऑल साइड प्रोफाइल। कैसा लगा पल्सर 150 एबीएस, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे इस बाइक की डायमेंशन के बारे में। दोस्तों इस बाइक की लेंथ है 2035 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm, और इस बाइक की हाइट है 115 mm, व्हील बेस है 1345 mm, और इस बाइक की कर्ब वेट है एबीएस आने के बाद 146 केजी है। दोस्तों चलिए अब हम बात करेंगे इस बाइक की फ्यूल टैंक के बारे में। इस बाइक के अंदर 50 लीटर की फ्यूल टैंक मिलता है। दोस्तों फिलहाल शोरूम में बजाज पल्सर 150 की ट्विन डिस्क में ही एबीएस आया है, और कुछ दिन में बजाज पल्सर 150 के अंदर जो नियॉन है वो स्टैंडर्ड है, उसके अंदर भी एबीएस आना जरूरी है और कुछ दिन में आने वाला है शोरूम के ऊपर। जब आएगा तो आपको मैं वीडियो करके जरूर चैनल के ऊपर पोस्ट करूंगा। दोस्तों एबीएस आने के बाद मेरा क्या थॉट है आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि एबीएस आने के बाद सारे बाइक की प्राइस बढ़ गया है, या आप स्प्लेंडर का बात करो या आप बात करो पल्सर 150 की। स्प्लेंडर के अंदर भी आपको सीबीएस टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया है, और बजाज के अंदर भी आपको प्लैटिना भी एंटी स्किड जो प्लेट नाम से एक टेक्नोलॉजी आती है उसके ऊपर भी प्राइस इंक्रीज हुआ है। एबीएस
ABS आने के बाद सारे बाइक की प्राइस इंक्रीज हुआ है, इवन कार की प्राइस भी इंक्रीज हो गया है। जो कार के अंदर ABS नहीं मिलता था उन कार पे भी ABS दे के प्राइस को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों ये तो छोटा सा अपडेट आपके साथ शेयर करने का मन किया, क्या आपको ये वीडियो पसंद है? पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक आपने ऑटो एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक मसालेदार एपिसोड में। गुड बाय।